ये पूरी तरह से कॉरपोरेट के हक की पॉलिसियां हैं। किसान क्या चाहता है? किसान तो सिर्फ एक लाइन ही लिखवाना चाहता है कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद होगी तो उसकी काउंटर मतलब उसकी गारंटी दे सरकार। अगर गारंटी नहीं देना चाहती तो फिर ये किस मुंह से ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी से ऊपर खरीद होगी। ऊपर कहाँ होगी जब एमएसपी की ही गारंटी सरकार नहीं दे रही। आज जो आंदोलन है ये वर्ल्ड लेवल का आंदोलन बन चुका है और पूरी दुनिया की नजर है इस आंदोलन के ऊपर। लेकिन आज की बातचीत से जिस तरह से महसूस हो रहा है, सरकार बैकफुट पर जाने की बजाय किसानों को प्रोवोक कर रही है, उकसा रही है ताकि आंदोलन में गड़बड़ी हो। लगातार शुरू से जब से ये आंदोलन चला है सरकार की मंशा रही है, कभी उग्रवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं और कभी एसवाईएल का मुद्दा लेकर आते हैं। सरकार की तो शुरू से ही प्रयास रहा है कि किसी ना किसी तरह से इस आंदोलन को तारपीड़ो किया जाए। लेकिन हम अपने खासकर पंजाब के बड़े भाइयों का शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए, इस आंदोलन को इतना शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन चलाया गया है और जिस आंदोलन को पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर लेके गए हैं, आज पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन के ऊपर हैं, जुड़ी हुई हैं और देश का के बच्चे बच्चे के सेंटिमेंट्स आज इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। हम इतना भी कहना चाहते हैं, सरकार कितना ही जोर लगा ले, ये आंदोलन हर हालत में जीत के रहेंगे। गोदी मीडिया की तो पोल यहाँ अर्णव गोस्वामी के माध्यम से खुल चुकी है, जो बालाकोट के ऊपर जश्न मनाते हैं। इससे दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज इन दोनों स्तंभों की स्थिति क्या है वो पूरे देश के सामने है। नमस्कार जी, आप बोलो। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम भूपेंद्र सिंह है। अच्छा, हम संगरूर जिले से आए हैं। ठीक है। हम 100 किसानों के साथ आए हैं, 50 ट्रैक्टर हमारे परेड वास्ते। एक हमारे ट्रैक्टर 50 परेड वास्ते सभी जन बरीकी वास्ते अगे लंघ चुके हैं। कले हम 50 ट्रैक्टर ट्रालियां लेके 100-150 किसान आए हैं। हमारा एक ही मसला है, हमारे साथ हैं कैप्टन सुखदर्शन सिंह, हमारे गांव के और किसान राम सिंह और साढ़े इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के सारी तरह के बंदे, पंजाब पुलिस के और आर्मी के। मैं बेनती ये करूँगा हरियाणा भाई से, हरियाणा साढ़ा छोटा भाई है, हम पंजाब के बड़े भाई हैं। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा साथ ही है इस आंदोलन में। हम हरियाणा का कभी भी आसान नहीं भूलेंगे। हमारा ये है, हमारा एक ही मकसद है, जो मर्जी कहा लो, हमारा 3 कानून वापस का मकसद है। हम पंजाब के 32 किसान यूनियन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब से संगरूर जिले से 50 ट्रैक्टर हमने कुछ दिन पहले बोला था भी संगरूर जिले की पुलरेड़ी पिंड में 100 ट्रैक्टर प्रदर्शन करने के लिए जाएगा। वो आज अपना मकसद पूरा करके तुम्हारे गांव पहुंचे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उस तो बाद हमारे चाचा जी कैप्टन ने फौज में रिटायर हो गया है, ओद सिंह इंडियन एयरफोर्स से हम रिटायर्ड हैं। हम ये बताना चाहते हैं अभी, क्योंकि ये जो डिमांड है, ये जो कानून बनाए हैं वो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार, वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, किसानों के भले के लिए बनाए हैं, लेकिन किसान एक भी नहीं कह रहा कि हमारे भले के लिए। तो फिर इसको थोपने का क्या इरादा है उनका? ये इनका इरादा थोपने का नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। इस कानून को रद्द करने के लिए अब किसान बोल रहे हैं, तो रद्द करने में क्या हर्ज है? रद्द कर देना चाहिए। जब उनकी गलती है,
रद्द करने में क्या हर्ज होता है उनका, जिनका फायदा कर रहे हो पब्लिक वोट मार के, क्योंकि इतनी गलतियां गिना देती है। सुप्रीम कोर्ट भी एक दिन पहले तो किसानों का पक्ष लेते हैं, लेकिन अगले दिन जो सरकार चाहती थी वो ही फैसला सुनाती है, चार बंदों की कमेटी बना देते हैं, वो है सरकार के इन कानूनों के समर्थक थे, उनमें से एक ने तो अपना नाम वापस भी ले लिया, तो उन्होंने कल मीटिंग भी की है, तीन बच गए थे जो उसके, ठीक है उसके बारे में बताओ। देखिए जो जो हट गए हैं उनको सामने में आ गया है, जबकि उन्होंने पहले सपोर्ट किया था, उनको भी सामने आ गया है कि ये बिल्कुल किसानों के हक की बात है, इसको लागू करने में किसानों का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और ये सब लोग इनकी जमीन छिन जाएगी, क्योंकि आगे के जो माहौल बनने वाला है उसमें किसानों का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको पीछे हट के छोड़ दिया। इसी तरह दूसरों को भी, लेकिन ये कमेटी बनाने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट किस लिए है, सरकार की पॉलिसी, सरकार का जब खुद तुम आप जीत कर आए हो, किसान अपना प्राइम मिनिस्टर है, पूरी गवर्नमेंट है, तो आप खुद क्यों नहीं फैसले ले रहे, ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं ताकि इसको कैसे न कैसे जाल में डाला जाए और इनका जो संघर्ष है किसी न किसी दिन ऐसी फेल हो जाएगा, लोग छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन अभी ये संघर्ष जो है पूरी दुनिया में आंदोलन जाना जा रहा है, ऐसा आंदोलन आज तक नहीं हुआ और इस आंदोलन पूरी दुनिया के देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हर कह रहा है बिल्कुल किसानों की जायज मांग है, इसको मान लेने में गवर्नमेंट का क्या हर्ज है, प्रधानमंत्री को जैसे पूरा मेजोरिटी के साथ जिता कर लाए हैं उनको अभी तानाशाह नहीं बनना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी इधर है, तो उसी ढंग से बात करना चाहिए और लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए, लोगों की जायज मांग को मान लेना चाहिए और पूरी दुनिया को खुशी बांटनी चाहिए ताकि लोग आराम से रह सके, ऐसी ठंडी के दिन में बच्चे बुढ़िया बुजुर्ग सब लोग क्यों तकलीफ सहने आए हैं, बेमतलब तो नहीं आए ना, उनको अगर तकलीफ है ये पसंद नहीं है मंजूर नहीं है तभी तो आए हैं, क्योंकि आज किसान है बहुत एजुकेटेड है, इनकी लीडरशिप बहुत तगड़ी है, बहुत सूझ वाले हैं, बहुत सहने हैं, इसलिए हर वक्त हर काम जो बहुत ध्यान सूझबूझ से कर रहे हैं और इसे गवर्नमेंट का हक बनता है, इसको बड़ा आदर सत्कार के साथ मानकर एक कानून को रद्द कर देना चाहिए। मेरा नाम शिवचरण सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केंद्रीय कमेटी सदस्य है और नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का संगठन है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। आज हम टिकरी बॉर्डर के ऊपर कैथल रोहतक झज्जर और जींद चार डिस्ट्रिक्ट के सर्व कर्मचारी संघ के और आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन जो बिजली की यूनियन है, जो आपने हाँ राठी राठी साहब राज्य प्रधान है राठी साहब जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी देखरेख में हो रहा है बिल्कुल। आज हम प्रदर्शन करके आए हैं किसानों के समर्थन में, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो ये तीनों कृषि काले कानून है 2020 बिजली बिल और जो संशोधन कर दी इसको वापस लेने की बात है और कोरोना काल की आड़ में ये सरकार मोदी खट्टर की सरकार किसानों के साथ मजदूर कर्मचारियों के साथ और इसी तर्ज पे जो श्रम कानून है उसके अंदर संशोधन करके जो 8 घंटे की ड्यूटी थी वो 12 घंटे की कर दी। हम ये कहना चाहते हैं भी जो ये किसान आंदोलन है ये पंजाब से शुरुआत हुआ, पंजाब के किसानों ने शुरुआत की और पंजाब के सिखों ने सिखाया कि आंदोलन कैसे किया जाता है और आज पंजाब का हरियाणा का राजस्थान का यूपी का गुजरात का महाराष्ट्र का पूरे देश का किसान आज दिल्ली के सभी 6 बॉर्डरों के ऊपर डेरा जमाए बैठा है। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो जी आप? हम कैथल से आए जी, मैं मास्टर रामपाल शर्मा जिला शिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और किसान आंदोलन को कर्मचारियों का पूरा समर्थन है और उसी के तहत आज दिल्ली से लगते जितने किसान मोर्चे हैं उन पर 4 जिलों की ड्यूटी थी और कैथल जींद रोहतक और झज्जर के कर्मचारी आज टिकरी बॉर्डर पर गए थे और कैथल से भी हम 100 कर्मचारियों का जत्था लेकर गए थे।
आपको क्या लगता है ये सरकार झुक जाएगी क्या? ये बिल्कुल झुकेगी, ये जन आंदोलन है, अकेले किसान का आंदोलन नहीं है, इसमें कर्मचारी भी साथ है, मजदूर भी साथ है। जन आंदोलन के आगे कितनी भी तानाशाह सरकार है उसको झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल,